कुमारी तमिलनाडु राज्य का एक पुराना शहर है। इसका नाम आदि शक्ति पार्वती की कन्या रूप कन्या कुमारी के नाम पर पड़ा। इसे देवी कन्या, देवी कुमारी और देवी अम्मन मंदिर भी कहते हैं। देवी कन्या कुमारी का भव्य मंदिर त्रिवेणी के किनारे बना है। यह मंदिर 3000 साल पुराना है। इसे महर्षि परशुराम देवताओं के वास्तु शिल्पकार विश्वकर्मा ने बनाया था। कहा जाता है असुर राज महाबली के पौत्र बाणासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा तो बाणासुर ने कहा उसे कुमारी कन्या के अतिरिक्त कोई न मार सके। शिव से वरदान पाके बाणासुर का आतंक चारों तरफ फैल गया। देवता और ऋषिगण त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। भगवान विष्णु से सहायता मांगने पहुंचे। भगवान विष्णु ने आदिशक्ति की आराधना करने को कहा। आराधना से प्रसन्न होकर देवी संसार को बचाने के लिए कुमारी कन्या के रूप में अवतरित हुई। कुमारी कन्या की दिव्य सौंदर्य की चर्चा बाणासुर तक पहुंची। उसने देवी के पास विवाह प्रस्ताव भेज दिया। मना करने पर जबरदस्ती पर उतारू हो गया। तब बाणासुर और देवी में भयंकर युद्ध हुआ जहां देवी ने चक्र से उसका वध कर दिया। बाणासुर वध के बाद परशुराम और नारद ने देवी से कलयुग के अंत तक उसी जगह पर रहकर आसुरी शक्ति से लड़ने की प्रार्थना की। विवेकानंद रॉक मेमोरियल से सटी यह विशाल प्रतिमा इतिहास प्रेमियों और वास्तुकला प्रेमियों के बीच एक लोकप्रिय आकर्षण है। यह एक प्रमुख तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर को समर्पित है। कन्याकुमारी भारत के अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा यह जितना प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है उतना ही अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। इसका नाम आदिशक्ति देवी पार्वती के कन्या रूप पर पड़ा है।